दौसा में रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े को लेकर फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें लोगों को रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े की जानकारी भी दी गई। इस मौके पर जिला कलेक्टर पीयूष सामरिया और पुलिस अधीक्षक अनिल बेनीवाल भी मौजूद रहे। इस दौरान हमारे संवाददाता ने जिला कलेक्टर पीयूष सामरिया से की खास बातचीत, आइए आपको दिखाते हैं। पूरे देश के हाल बेहाल किए हुए हैं, ऐसे में पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन अपनी तरह से हर संभव प्रयास कर रहा है इस स्थिति को लॉक करने में। इस समय हमारे साथ हैं दौसा कलेक्टर पीयूष सामरिया, आइए जानते हैं उनसे क्या कुछ विशेष है इन दिनों। ये देखिए, अभी ये स्थिति बहुत ही गंभीर रूप ले चुकी है। आप लोगों को अपने स्वास्थ्य का एक बार ध्यान रखने के लिए फिर से सोचना पड़ेगा, और जो राज्य सरकार की जो गाइडलाइन आ रही है समय समय पर, और अब जो लेटेस्ट गाइडलाइन आई है उसका नाम जो है रेड अलर्ट पखवाड़ा, जो 17 मई तक रहेगा, इसमें काफी एक शक्ति की आवश्यकता है। और लोगों को खुद समझना चाहिए कि एक अनुशासन उनको बनाना है कि कोरोना के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए। सर, जिले में ऑक्सीजन की स्थिति क्या है, पब्लिक को क्या एश्योरेंस देना चाहेंगे? जी, वर्तमान में हमारे जिले में 90 बेड्स प्लस चल रहे हैं और ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त है। तो इसमें लेकिन ये मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास या आपके आसपास के घर में या आपके पड़ोसी में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके सिम्टम्स हैं, जो खांसी बुखार ये है, तो कृपया उसे छुपाए ना, जल्द से अपने नजदीकी हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज के लिए पहुंचे, और यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में संसाधन अवेलेबल है। जी, जिले में वैक्सीनेशन की स्थिति क्या है, वैक्सीनेशन जो 1 मई से शुरू हुआ उसको लेकर क्या बताना चाहेंगे? वैक्सीनेशन हमारा 45 प्लस की जो कैटेगरी है वो लगातार चल रहा है, और जैसे ही हमें गाइडलाइंस में वैक्सीन का स्टॉक मिलेगा, हम ये 18 वर्ष के ऊपर के आयु के लोगों का भी वैक्सीन। भामाशाह ने ऐसे कुछ भामाशाह को प्रेरित करने के लिए क्या कहना चाहिए? जी, मैं आप लोगों का सम्मान है और आप लोगों का वेलकम है कि अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं गवर्नमेंट को या स्टेट या डिस्ट्रिक्ट के जो आपकी हॉस्पिटल में व्यवस्था या कोई भी आपकी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो मोस्ट वेलकम है, आप डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं। ये थे हमारे साथ दौसा कलेक्टर पीयूष सामरिया, जो बता रहे थे जिले की स्थिति नियंत्रण में है, अगर कोई भी कोरोना संक्रमित होता है सिम्टम्स दिखा देते हैं तुरंत सूचित करें प्रशासन को। दौसा कलेक्टर पीयूष सामरिया सभी से अपील की है कि उसका सम्मान करें, उसकी गाइडलाइंस को फॉलो करें। सुनील सत्यवादी, A1 TV, दौसा।